अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा भाई, लास्ट आप लोगों ने फाइल हैंडलिंग हम पर डे के फाइल हैंडलिंग में आपने फाइल की रेटिंग और राइटिंग जो है वो आर्बिट्री आयो में की है। जैसे आप हेलो वर्ड या कुछ भी जो है आप डबल कोट के अंदर देखते थे तो वो राइट हो जाता था फाइल में, और फिर आप उसको रीड भी कर रहे थे। उसमें कोई लेंथ, कोई साइज वगैरह मैटर नहीं करती थी। इसके बाद आपने फॉर्मेटेड आयो में किया तो आप इंटीजर, फ्लोट, डबल वगैरह जो है वो फाइल के अंदर रीड और राइट परफॉर्म करवा। फिर इसके बाद आपने वर्ड बाय वर्ड जो है इनपुट आउटपुट परफॉर्म की कि जैसे आप कोई नेम सेव कर लेते थे तो वो वर्ड बाई वर्ड जो है वो रीड भी कर लेते। फिर उसके बाद जो है वो लाइन बाय लाइन है कि आपने पूरी फाइल को, पूरी लाइन को रीड करना हो तो कैसे रीड करेंगे। ठीक सी, तो जैसे अभी आप लोगों के पास ये जो फाइल है इसके अंदर ये तीन वर्ड है। हाल तो इसको आपने फॉर्मेटेड में किया है, लेकिन अगर हम इसको वर्ड बाय वर्ड रीड करें तो हमारा प्रोग्राम कैसे होगा उसको देखते हैं। क्या करेंगे कि किया हम करेक्टर की एक ए बना लेते हैं। फिफ्टी साइज की हमने एक ए बना ली और हमने रीड कर रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है करेक्टर की एक अरे बना दी। फाइल में हमने रीड करना है और कैसे रीड करते थे इसको हमने इफ करते हैं और करते हैं। इसको मैं रन करता हूं तो इसमें जो है हमें रीड करके दिया डी को, और डी इसलिए रीड किया कि हमने तो हमें हमारे पास थे बी फाइल का नाम था बी एन बी मॉर्निंग, फाइल का नाम है बी एन बी मॉर्निंग। इसको हमने रीड कर इसने जो है वो वर्ड रीड करके दिया, टेन रीड करके दिया। अगर आप फाइल में देखें कि हमारे पास जो लिखा हुआ है वो टेन था, एम था और 15.57। वर्ड बाई वर्ड अगर आपने वो सारे को रीड करना है तो आप क्या करते हैं, यहाँ फाइल का लूप लगा लेते हैं या ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आप रीड करते हैं तो वो वर्ड बाई वर्ड जो है वो सारा कुछ रीड आप करके यहाँ भी देखिए उसको उसमें एम था, एम था 15.75 रीड करके उसके अगर आप एंड लाइन लगा लें तो ये आपको वर्ड बाई वर्ड जो है 10 एम 15.75 इसने रीड करके देखा। अब
अगर आप चाहते हैं कि अभी ये एक लाइन है तो ये पूरी की पूरी लाइन क्यों नहीं रीड की थी? अगर आपने लाइन लाइन बाई लाइन रीड करनी है तो फिर लूप लगाने की बजाय आप क्या करेंगे, पूरी लाइन रीड कर लेंगे। पूरी लाइन रीड करने के लिए आप क्या करते हैं, गेट लाइन, और इसमें एस का साइज देते हैं 50 करेक्टर का साइज दिया ना आपने, और पूरी लाइन रीड, अब इसमें लूप लगाने की जरूरत नहीं है, पूरी की पूरी लाइन जो है वो रीड कर लिया। देखिए आपके पास पूरी लाइन जो है रीड कर लिया, जैसे एन भी था एम भी था और 15.5। तो पूरी लाइन जो है लाइन बाय लाइन रीडिंग के लिए जो आपके पास है वो गेट लाइन का फंक्शन क्या फाइल से पूरा रीड कर। इसी तरीके से आप करेक्टर बाय करेक्टर रीड करते हैं, या इसमें हम अगर राइट करना हो तो हम इसमें कुछ राइट करते हैं। इसी प्रोग्राम में मैं ये कहता हूँ जी सीन एस किया और हम इसको राइट करते हैं, तो ऑफ डॉट ऑफ राइट, ये राइट कर देगा। मैं इसको रन करता हूँ, तो मैं रन किया, मैं इसको मैसेज लिखता हूँ हेलो बी एस बी एम बी मॉर्निंग क्लास। तो मैंने तो इतना कुछ लिखा, तो चेक करते हैं कि वहाँ पे फाइल के अंदर, सॉरी यहाँ पे फाइल का नाम आपके पास था बी एन बी बी एन बी एम दोबारा रन करते हैं, तो यहाँ पे हेलो बी एस बी एम मॉर्निंग क्लास। हम इसमें फाइल में जाकर देखते हैं, मैंने तो बहुत कुछ लिखा है लेकिन क्लास इसके अंदर जो सेव हुआ वो सिर्फ हेलो हुआ, बाकी चीज़ें किधर चाहिए? असल में होता ये है कि आपका जो सीन है वो स्पेस से समझता है कि आपकी इनपुट मुकम्मल हो गई है, स्पेस के आगे जो कुछ भी आप वर्ड देते हैं वो दोबारा नहीं करता। तो फिर उसके लिए दो तरीके हैं, या तो आप गेट एस यूज कर लें, आप क्या यूज कर लें, गेट एस और यूजर से इनपुट प्रॉपर आप लेंगे, इसको मैं कहता हूँ जी हेलो बी एस बी एम बी मॉर्निंग क्लास। अब चेक करते हैं तो इसने तो सारी चीजें लिख दी हेलो बी एस बी मॉर्निंग क्लास। तो एक तरीका तो ये नहीं, गेट एस से है, गेट एस से क्या होगा कि आप स्पेस जब तक एंटर करते हैं उस वक्त तक वो सारी चीजें ले लेते हैं। एक तरीका और है, गेट लाइन भी है, आप यहाँ पे कर लेते हैं, आप सीन कर लेना सीन डॉट गेट लाइन एस और 50 का साइज देते हैं, ये भी वही काम करता है। हेलो डॉक्टर तो यहाँ पे यार देखें तो ये इस तरीके से जो है आप पूरी स्टेटमेंट जो है वो जो कुछ भी आप लिखते हैं वो पूरी लाइन जो है आप रीड करवा सकते हैं, वो कीबोर्ड से भी हो सकता है, वो फाइल से भी है। तो अभी आप लोगों ने ये देखा कि आपने आर्बिट्री इनपुट आउटपुट की, आपने फॉर्मेटेड आउटपुट की, आपने वर्ड बाय वर्ड का किया, आपने लाइन बाय लाइन का किया, नेक्स्ट जो है वो करेक्टर बाय करेक्टर है कि आप ये जो कुछ लिखा हुआ है उसको वर्ड बाय वर्ड भी रीड कर सकते हैं, करेक्टर बाय करेक्टर भी रीड कर सकते हैं।
से हम रीडिंग वाली फाइल में जाएं, ये तो पूरी गेट लाइन था ना, इसको अगर रन करते तो पूरी लाइन रीड कर देगा। जैसे पहले भी करते थे नहीं, पूरा उसमें हेलो जाकर सी आर वगैरह प्रोवाइड करते। इसको आपने वर्ड बाई वर्ड करना है। तो आप कैसे करते हैं इसको देखिएगा, आपने if और यहाँ पे एस। अब इसको आप रन करते हैं, ये एक वर्ड रन रीड करेगा हेलो, बाकी सारे करने तो आप क्या करते हैं लूप लगाते हैं वाइल। एक चीज का ये भी है नॉट इफ कर रहे हैं, तो ये भी चल जाता है जब तक के ओहो ये तो कुछ और ही गई है। ये रैंडम फाइल करते हैं तो नहीं शायद चल जाता है, चेक करता हूँ ये भी चल जाता है। नहीं जी, इसके बाद जो है ना वाइल को मैंने इफ किया तो इसने कुछ भी रीड नहीं किया मेरी को, तो मैं उसको एंड ऑफ फाइल लगा लेता डॉट यूएफ। इसको रन किया इसने, आपके पास जो है वो हेलो सदाकर सी आर ऑफ क्लास वर्ड बाय वर्ड रीड कर दिया। इसी को आप करेक्टर बाई करेक्टर अगर रीड करना चाहें तो एक तरीका ये है, आप इसको एरे की बजाय कंटेनर को करेक्टर बना दिया तो वो करेक्टर ही रीड करेगा, एक ही करेक्टर रीड कर पाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये अब इसने जो रीड किया है वो स्पेस को रीड नहीं किया, सिर्फ जो करेक्टर हैं उनको रीड किया। इसके बाद अगर आप इसी को एक और वे से भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक और वे है इफ डॉट गेट डॉट गेट, अब ये जो है स्पेस भी रीड करेगा। यहाँ पे देखें वो करेक्टर बाई करेक्टर रीड कर रहा है लेकिन वो अलग भी डिफरेंशिएट भी कर रहा है, देख रहे हैं डिफरेंशिएट मैंने स्पेस भी रीड कर रहा है। वो जो आपका था ना स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर वो स्पेस नहीं रीड कर रहा था, लेकिन ये गेट का फंक्शन जो है वो स्पेस भी रीड करता है। जो राइटिंग के लिए करेक्टर बाय करेक्टर राइटिंग के लिए अगर मैं यहाँ पे पेंड कर लूँ तो आगे इसी के आगे लिखे आयोज अपेंड, और यहाँ पे मैं एक लाइन राइट करवाता हूँ। ये तो था ना सीन डॉट गेट लाइन, मैं एक एक करेक्टर करवाता हूँ। ये एक तो आपके पास ये तरीका है ना, आप ये यहाँ पे एस कर दें और ये एस जो है एरे बना दें। अच्छा तो यहाँ पे एस है। चलिए तो आप बोर हो गए तो अब आपने इसके बाद यहाँ पे हमने करेक्टर बाई करेक्टर किया तो ये करेक्टर ये ओपन हो गया सीन एस किया, और इसको हम रन करते हैं तो इसमें एक करेक्टर मशीन में। अच्छा इसमें मैं पूरा लिखता हूँ जी, पूरा नाम लिखता हाउ आर यू, अब दिया तो करेक्टर है और वो सेव भी सिर्फ एक ही करेगा, ज्यादा नहीं करेगा। यहाँ पे देखें क्लास के बाद ये सिर्फ एक एक ही है तो, लेकिन वो अगर आप ये चाहते हैं कि वो सिर्फ वन करेक्टर ही ले, यूजर से वन करेक्टर ही ले, फिर आप ये इसकी बजाय ऐसे कर सकते हैं एस एक करेक्टर इनपुट के लिए जो फंक्शन है वो गेट सी एच ई है, गेट सी एच ई। अब ये एक करेक्टर ही लेगा, ज्यादा नहीं लेगा। यहाँ पे ये देखें उसके पास वो कुछ चीज नहीं है, ठीक है। और राइट करवाने के लिए एक तो ये तरीका है, दूसरा जो है ऑफ डॉट पुट है जो सही तरीका है
करेक्टर बाय करेक्टर राइटिंग के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें जितनी दफा हमने वो किया वो एक एक करेक्टर में ऐड कर दिया ए जे ए, ठीक हो गया। तो ये आपके पास था करेक्टर बाय करेक्टर रीडिंग और करेक्टर बाय करेक्टर राइटिंग के लिए फाइल के अंदर। अच्छा, इसके बाद जो है वो है आप बाइनरी फॉर्मेट के अंदर इनपुट आउटपुट परफॉर्म कर सकते हैं। बाइनरी का ये फायदा है कि आपकी स्पेस बच जाती है। बाइनरी के लिए जो जो हमारे पास है राइटिंग के लिए ओएफ डॉट फंक्शन है राइट, राइट इसके अंदर वो करेक्टर स्टैटिक देते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो भी ओबीजे है और कुछ साइज ऑफ ओबीजे जो भी ऑब्जेक्ट है। अब इसमें ये जो है ना राइटिंग बाइनरी राइटिंग के लिए आप चाहे इंटीजर को राइट करवा लो, फ्लोट को राइट करवा लो, स्ट्रक्चर को राइट करवा लो, क्लास को राइट करवा लो, इन क्लास के ऑब्जेक्ट को राइट करवा लो, ये सारी चीज़ें राइट कर देता है। पर किया जो है हम लोग क्लास के डाटा को राइट करना चाहते हैं। हमारे पास एक क्लास आप लोगों ने बनाई थी, ये ग्रैंड पेरेंट की एक क्लास बनाई थी यहाँ पे। अब मैंने ये क्या किया जी, ये यहाँ पे मेंशन किया कंट्रोल भी, ये ग्रैंड पेरेंट की क्लास बन गई। उसमें क्या था, वो पी डाटा था, ए बी सी था, कंस्ट्रक्टर था और शो का फंक्शन था। मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जी पेरेंट का ओ बी जे, उसमें ऐसे 100 पास कर दिया ना। ये जैसे आपका वन वैल्यू कंस्ट्रक्टर है उसकी वजह से वो ग्रैंड वैल्यू सेट हो गई। अब मैंने ये राइट करना है तो मैं क्या करूँगा, अब यूजर से इनपुट तो नहीं लिया हमने, सिर्फ हमने राइट करना है। तो राइट करने के लिए क्या करेंगे, मैं कहते हैं जी ऑफ डॉट राइट और यहाँ पे करेक्टर स्टैटिक ये दीजिए और साइज आप वो दीजिए। इसमें जो चीज़ें बतानी होती हैं हमें कि भाई क्या चीज़ राइट करनी है। अब चूंकि फाइल में लिखवानी है तो फाइल तो वो स्ट्रीम ही मांगती है ना, करेक्टर स्ट्रीम मांगती है। तो हम ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देते हैं करेक्टर स्ट्रीम में, ये टाइप कास्टिंग हुई है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको टाइप कास्टिंग कर दी करेक्टर स्ट्रीम में और फिर उसको साइज भी बता दिया कि किस साइज का है, एक साइज भी बता दिया। अब मैं इसको राइट करता हूँ तो आपने ये देखा कि इसके अंदर पहले मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे अभी एक ये लिख दिया। अब ये क्या है, तो कुछ रीडेबल नहीं है। इसको एक काम और करते हैं, इसको बनाते हैं यहाँ पे अपेंड ख़त्म करते हैं, इसको बाइनरी मोड बनाते हैं। बाइनरी इसको मैं दोबारा चलाता हूँ तो दोबारा चल गया जी। जब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आप कहेंगे ये क्या है, कुछ लिखा हुआ नहीं, ये क्या है, देखें देख रहे हैं कुछ रीडेबल नहीं है क्योंकि बाइनरी में जो फाइल है वो रीडेबल नहीं होती। हालांकि इसके ऊपर डाटा लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं डाटा लिखा हुआ है लेकिन आपको डाटा नज़र नहीं आ रहा, रीडेबल नहीं है। अब हम इसको चेक करते हैं, इसको कैसे चेक करेंगे, हम इस फाइल को रीड करते हैं। अब वो रीडिंग के लिए हमारे पास ये है तो वो जो था हमारे पास जो फाइल का ये चाहिए होता है हमें क्योंकि तो रीड करना है तो वो कंटेनर वैसा ही होगा तो तभी वो रीड कर पाएगा, ऐसे तो नहीं रीड करेगा। तो ये कंटेनर के लिए क्लास यहाँ पर डिफाइन कर ली और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया क्लास का जी पेरेंट ओबीजे। अभी इस ओबीजे में तो कुछ डाटा नहीं है, है ना, इस ओबीजे में कुछ डाटा नहीं है। आप इसको चेक कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे ओबीजे डॉट शो करूँ
ये जो है अभी कुछ राइट नहीं करवाया, मैं इसको डिलीट करता हूँ, सी आउट एस को भी डिलीट करता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ। तो आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो ये देखो, ये इसका जीरो वैल्यू कंस्ट्रक्टर हो गया, डिफॉल्ट जी पेरेंट 1, वैल्यू ऑफ जी पेरेंट 0, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की वजह से जी पेरेंट 0। अच्छा तो फाइल से रीड करो, फाइल से रीड करने के लिए मैंने क्या किया, इफ डॉट रीड, फाइल से रीड करना है, मैंने यहाँ पे वो करेक्टर स्टाइल वैसे वही फॉर्मेट सेम, और यहाँ पे ओबीजे नाम रखा था और साइज ऑफ ओबीजे। तो अब ये ओबीजे शो जो है वो फाइल से हमें रीड करके वो जो 100 था वही दिखा, ये देख रहे हैं ये 100 इससे मुझे दिखा, यानी फाइल में जो राइट किया था वो उसने रीड कर दिया। ये और भी कर सकते हैं, मतलब मैं एक और एलिमेंट इसमें प्लेस करता हूँ, यहाँ पे मैं ये कह देता हूँ जी फाइल में जो मैंने लाइब्रेरी किया साथ में अपेंड भी कर दिया, दो मोड दे दिए, अपेंड, यानी एक और ऑब्जेक्ट लिखवाना चाहता हूँ, मैंने 100 की बजाय यहाँ पे 50 कर दिया, 50 का ऑब्जेक्ट करके मैंने रन किया तो ये 50 भी वहाँ पे राइट हो गया फाइल में, 50 राइट हो गया। अब मैं उसे जाके रीड करता हूँ, तो वो एक दिया ना, दो मतलब रीड करना है, तो मैं इसी को रिपीट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी और ये कंट्रोल वी, इसको जब मैं रीड करता हूँ, लूप नहीं लगाया ना मैंने, तो अब ये देखें पहला ऑब्जेक्ट में 100, दूसरे में 50, तो ये इसके अकॉर्डिंग अमल इंडेक्स ऑफ अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक मिनट सिर्फ होल्ड करना, अच्छा भाई कोई चीज़ जो नहीं पता चली हो तो ठीक, वरना फिर ये क्लास को मैं ओवर करता हूँ, सी आर अटेंडेंस मुझे भेज देना। जी सर, हाँ जी, मैं 2 मिनट आज खत्म कर लूंगा, मैं 2 मिनट बाद उन कॉल कर लूंगा। हाँ भाई कोई कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, क्यों भाई क्वेश्चन है तो पूछ ले, अभी तक कोई बात समझ ना आई हो। सी आर आपने अटेंडेंस भेजनी है मुझे, ठीक है सर। अली है ना, अली नाम है ना आपकी क्लास के सी आर का, सदाकत है, ठीक सर सदाकत है नाम। है तो मैंने सही लिखा, आप अटेंडेंस मुझे भेज दें, वैसे मैं इसकी स्नैप ले लेता होता हूँ, ठीक कोई चीज़ जो नहीं समझ लगी हो तो पूछ ले, पूरी क्लास से पूछ रहा हूँ। ठीक है ओके, थैंक यू वेरी मच।